हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आजकल कहीं जाना आना बहुत ही कम हो गया है और वीडियो शूट करने के लिए बाहर भी नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि लॉकडाउन तो लगा ही है और साथ ही साथ जो बीमारी है उसका भी खतरा अभी भी बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में अपनी गार्डनिंग को कर रहे होंगे। दोस्तों, आजकल जो है मैं घर के ही वीडियोस बनाने में लगा हुआ हूँ, तो अलग अलग हिस्से के वीडियोस को मैं कई दिन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी जो है अलग अलग हिस्सों के वीडियोस को मैं आपको दिखाता रहूँगा। और कल जो है मैंने अपना जो डोर साइड है, मेन डोर के दोनों तरफ की जो गार्डनिंग है और मोस्टली जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको दिखाया था, किस तरीके से मैंने लगाया, कौन सा प्लांट किस नाम से जाना जाता है और किस तरह के पॉट में मैंने लगाया था। और आज जो है मैं आपको अपने फ्रंट गार्डन में दिखाने वाला हूँ कि जो दो तरफ लाइनिंग है गेट के, तो यहाँ गमलों में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं। मोस्टली दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक तरफ जो है जो सदाबहार के पौधे हैं उसको लगा रखा है और दूसरी तरफ जो है जो जीनिया हैं उसके पौधे लगा रखे हैं। तो अलग अलग तरह के जो सदाबहार है, हालांकि इस बार मुझे नर्सरी से ख़रीदने का मौका नहीं मिला, लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा पाया, तो जो कुछ भी घर में उग आया था अपने आप लास्ट ईयर के सीड्स से या लास्ट ईयर के पौधे बचे थे, तो वही सब पौधे हैं। और जो जीनिया हैं वो भी वैसे ही है, लेकिन जीनिया में कुछ एक वैरायटी मेरे पास है और सदाबहार में भी दो तीन कलर जो है मेरे पास है, तो उससे भी अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। दोस्तों, सबसे पहले चलिए जीनिया की बात करते हैं। ये जो आप फूल देख रहे हैं जीनिया का है और बहुत तरह के कलर इसमें आते हैं, लाल, बैंगनी, गुलाबी, सफ़ेद, तो इस तरह के विभिन्न कलर में जो जीनिया हैं उसके फूल मिल जाते हैं। और जीनिया के फूलों को जो है आप मार्च से लेकर के जून महीने के अंत तक कभी भी लगा सकते हैं। इसकी जो फ्लावरिंग होती है अप्रैल या मई से जो है स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद जो है ये अक्टूबर तक फ्लावरिंग करता रहता है। दोस्तों, आमतौर पर जो जीनिया का पौधा है वो उसकी जो हाइट होती है वो 60 सेंटीमीटर के लगभग लगभग होती है और इसका जो फैलाव होता है वो लगभग 75 सेंटीमीटर तक जाता है। तो इसके बीजों से बहुत ही अच्छे से प्रोपगेट हो सकता है। जो फूलों के ऊपर आप देख रहे हैं बीज, तो इन्हीं बीजों को अगर आप बिखेर देंगे थोड़ा सा फूल सूखने के बाद, तो उससे जो है नए पौधे निकल आते हैं। तो बेटर यही है कि मार्च के शुरुआत से ही आप इनको लगाना शुरू कर दें और जब आप इसको लगाते हैं तो 1.5 से 2 महीने के बीच में इसमें फ्लावरिंग होने लगती है और उसके बाद जो है लगातार 2 महीने तक ये फ्लावरिंग करती हैं। और उसके बाद भी अगर आप फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो शुरू से ही जो है आप जो भी डेड फूल है या फूल खिलने के बाद जो है सूखने लगते हैं तो उनको कट करते रहें, तो इससे जो है नए नए ब्रांचेस आएंगे और उसमें जो है फूल खिलते रहेंगे। देखिए, और एक कलर है यहाँ पर जीनिया का और ये हाइब्रिड है और इससे पहले जो देखा था वो देसी वैरायटी थी। तो दोनों ही तरह के जो फूल हैं वो बीजों से हो सकते हैं। तो अगर आप इनके बीजों को रखना चाहते हैं तो जो बड़े फूल हैं उनको कोशिश कीजिए कि वो जब सूख जाए पूरी तरह से मैच्योर होकर के पेड़ पर, तो उनके बीजों को आप रख लें सेव करके और उन्हें नेक्स्ट ईयर आप लगा सकते हैं। दोस्तों, जो जीनिया का फूल है वो 15 से लेकर के 30 डिग्री तक के जो तापमान होती है तो उसमें सबसे अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन तेज़ जब गर्मी पड़ती है, जून का महीना होता है, तो ऐसे में भी ये फ्लावरिंग करता रहता है।
तो कोशिश करें कि जब आप जीनिया के पौधे को लगाए तो जैसे आपने कुछ ही गमलों में लगा दिया, तो उसके 2 महीने बाद आपने फिर जो है कुछ और गमलों में अगर लगा दिया या दोबारा से बीज आपने डाल दिए तो नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है जीनिया आपके यहाँ जल्दी ख़त्म नहीं होगा और बिल्कुल जो है मार्च अप्रैल से लेकर के अक्टूबर महीने तक खिलता रहेगा। तो इसको आप इस दौरान 3 बार जो है लगा सकते हैं और इस तरह से लंबे समय तक फूल ले सकते हैं। ये भी इनकी ड्वार्फ वैरायटी है और ड्वार्फ वैरायटी को लगाना ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें जो है हवा से इधर उधर गिरने का आपको बिल्कुल भी डर नहीं रहता, जबकि जो बड़े फूल होते हैं या बड़े पौधे होते हैं देसी वाले, तो कई बार अगर आंधी तूफान आता है तो इधर उधर गिरने का थोड़ा सा डर बना रहता है। और दोस्तों इसको पानी की थोड़ी कम ज़रूरत होती है, तो पौधे को बहुत ज़्यादा गीला ना रखें, पानी सूखने पर ही पानी दें। और इसके अलावा जो नीम ऑयल है उसका स्प्रे आप लगातार करते रहें। दोस्तों अब आते हैं गेट के दूसरी तरफ जो लाइन में लगा रखा है, तो ये है सदाबहार के पौधे। तो इसमें वाइट भी है, पर्पल भी है और जो रेड जो कि थोड़ा सा पिंकिश है, रेड इस तरह के वैरायटी है। और ये सब जो है ऑलरेडी मेरे गार्डन में पहले से ही था, तो लास्ट ईयर के जो है इसमें कुछ पौधे हैं और कुछ जो है उसी से ही नए पौधे बन आए थे, तो उसी को मैंने गमलों में लगा दिया। ये इधर उधर जो है ज़मीन पर निकले हुए थे, तो एक लाइन से एक बार पर्पल, फिर जो है सफ़ेद, फिर इस तरीके का ये जो रेड टाइप का आप कलर देख रहे हैं, तो ये लास्ट ईयर का पौधा है। तो इस साल भी फ्लावरिंग हो रही है, पूरे साल भर दोस्तों ये पौधा बना रहता है। और सर्दियों में थोड़े से छोटे फूल आते हैं और जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होती है तो इसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी आने लगती है। तो इस तरह के फूलों को एक बार आप लगा लेंगे तो दोबारा से आपको नर्सरी से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस तरह के फूलों को आप 8 से 12 इंच तक के गमले में लगा सकते हैं और जो मिट्टी है, रेत है और कंपोस्ट है बराबर मात्रा में मिला करके लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे फूल खिलेंगे। रेत थोड़ा कम भी मिलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है आज का वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और जो मेरे ग्राउंड में फूल लगे हुए हैं, जैसा आप ये वाला देख रहे हैं ओलियंडर का फूल, तो ग्राउंड के सारे फूलों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और आपको सारी चीज़ों को ठीक से एक्सप्लेन भी कर सकूं। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारी बगिया।